नमस्कार, मैं विकास चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जादुई बाल्टी। ये देख लो, आपने अलादीन का चिराग तो देखा होगा, काफी सुना होगा, लेकिन जादुई बाल्टी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ये जादू से भरी हुई बाल्टी दिखाएंगे। तो चलिए भाई साहब, खुल जा सिम सिम। जी जरूर सर, दर्शकों का और विकास भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, जिनके कारण एक दिन मैं पूरा फ्री होके और इंजॉय कर रहा हूँ पुरानी चीजों के साथ में। जी जी, क्योंकि इन चीजों से मेरे को बेहद लगाव है। इनको छूने से मुझे सुकून मिलता है। जी जी जी, तो आज मैं आपको एक जादुई बाल्टी दिखाने जा रहा हूँ। जी, दिल थाम के बैठ जाइए कि जादुई बाल्टी में क्या निकलता है। अरे ऐसे मत बोलो, सांप वाप तो नहीं निकलेगा। सर आप निस्फिक्र रहें, आप मेरी कस्टडी में हैं, आप मेरे मेहमान हैं। जी जी जी, तो ऐसी कोई भी चीज हार्मफुल नहीं होगी। ये देखिए सर, मैंने कुंडा खोल दिया है जी। लेकिन इधर एक और कुंडा है, ये भी मैं खोल रहा हूँ। ये अपना लॉक बाहर आ गया सर, इस पे कुछ मार्किंग्स है, आप दिखा दीजिए, ज्यादा अपन टाइम नहीं लेंगे। लेकिन सर यहाँ पे क्या उर्दू लिखा हुआ है? उर्दू लिखा है यहाँ। तो सर ये उर्दू क्या ये साबित करती है कि ये मुगल कालीन बाल्टी है? बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुगल कालीन जादू बाल्टी। जी बिल्कुल सर, एक मिनट के लिए पॉज कीजिए। तो सर करें शुरुआत बाल्टी, बिल्कुल जादू देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखेंगे जी। तो सर देखते हैं जरूर। जी सर, अपना एक बर्तन निकल गया है। तो पहले जादू से पहले मैं आपको बता दूं जी कि ये है ट्रेवलिंग किट। ट्रेवलिंग किट, कहीं भी अपन अगर ट्रेवल करने जाएं तो अपन इस गाड़ी में सिर्फ एक बाल्टी लेके जानी है अपने को। जी जी जी, पूरी दावत का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसे नहीं मानते भाई साहब, तो दिखा देंगे सर। हाँ, और आप बोलोगे तो दावत खिला भी देंगे। अरे वाह क्या बात है, दिलदार। बाल्टी लेके गाड़ी में चलेंगे जी जी, और दावत मनाएंगे सर। सही बात है, पिकनिक मनाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मुकेश भाई साहब जरा आप इस बर्तन को इधर रखे सर। इसको अपन किस यूज में लेंगे? आटा गूंथने के? नहीं सर जी, आटा गूंथने का तो और सामान आ जाएगा। अच्छा, इसमें अपन बेसन का घोल बना के जी पकौड़ियां बना लेंगे। पकौड़ियां? और पकौड़ी के साथ? फिर पकौड़ी के साथ और कुछ देखा जाएगा। जरा मुकेश जी जरा इसको यहाँ सजाइए जरा। हाँ, तो सर अब आपके पास आ गए हैं चार गिलास, वो भी तांबे के, पीतल सर के। पूरी बाल्टी पीतल की बनी हुई है। हाँ। ब्रास की, बहुत अच्छा मेटल होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। मुकेश जी रखते रहो सर, दर्शकों को दिखा देना, कहीं ऐसा ना हो कुछ वीडियो में फ्रॉड दिखा देते। नहीं नहीं, फ्रॉड कुछ होता नहीं है, लेकिन दिखा देते हैं। एक, दो, तीन और चार ग्लासों की चमक ये बता रही है कि बाल्टी को यूज भी नहीं किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी बाल्टियां पुराने जमाने में दहेज में दी जाती थी सर। अच्छा, तो अच्छा। दहेज की चीज को बहुत संभाल के रखा जाता था। हुँ। तो हो सकता है कि बाय चांस यूज ना किया गया। जी जी जी, तो सर ये क्या चीज आ गई सर? ये पता नहीं, चुरलू सा लग रहा है सर। चुरलू? चुरलू पता नहीं क्या है सर। क्या होता है सर चुरलू? हमारे यहाँ भाषा में चुरलू बोलते हैं, जो जादूगर दिखाने आया है ना। अच्छा, अरे चुप हो जा, नहीं तेरे पीछे चुरलू छोड़ दूंगा। अच्छा, तो मैं भी आपके पीछे चुरलू छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं? चुरलू, तो ये चुरलू को यहाँ रख देते हैं, बाद में बता देंगे। जी जी जी, ये भी सर चुरलू है जी, ठीक है। और ये भी चुरलू है सर, आप देखेंगे कि चिमटा, चिमटा तो चिमटा है सर। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है कि ये स्पेस ना ले इसके लिए। ये देखिए सर चिपक गया, ये क्लिप डाली गई है ताकि स्पेस ना ले। इस चिमटे को यहाँ रख दीजिए मुकेश जी। जी जी, और सर आप लेंगे गोलियां सर? नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है अभी ऊपर वाले की। नहीं जरूरत, मैं यहाँ रख लेता हूँ सर। कुछ ना कुछ तो काम आएगी। क्या काम आएगी सर इस चुरलू में? पता नहीं, जादुई बाल्टी में गोलियां क्या काम? कहीं ना कहीं तो कहा, जब रखी है तो काम आएगी। काम आएगी, ठीक है, देखते हैं। ये गोलियां मैंने यहाँ रख ली है सर, ध्यान रखना आप गोलियों का। हाँ हाँ, ध्यान रख रहा हूँ सर। ठीक है सर, अब देखते हैं अपन क्या निकलता है सर। मुकेश जी, एक थाली, दो थाली, तीन थाली और चार थाली। चार थाली, अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है, चार बंदों के लिए पूरा सिस्टम निकलेगा इसमें सर। क्यों, अगर अपन आज अगर एक थाली में साथ में बैठ के खाएं तो? ये भी बात सही है। सर हमारे राजस्थान में ऐसा प्रचलन है जी जी जी, कि एक ही थाली में बैठ के चार पांच जने इकट्ठा खाना खाते थे। हाँ। तो उसका एक स्वाद अलग ही होता है। तो ऐसा आप ना समझे कि ये चार जनों के लिए। हाँ। ज्यादा लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो और बर्तनों का आप साइज देखेंगे वो चार जनों से ज्यादा का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये अपना तवा आ गया जी, तवे को अब कैसे जचाएंगे?
मुकेश जी जरा आप तीन ईंट ले आइए, अपने को चूल्हा बनाने की जरूरत पड़ेगी, ईंट तो कहीं भी मिल जाते हैं, पत्थर ले आइए, ईंट ले आइए। भाई साहब आप जरा तवे को इधर रखिए, जरा रखो रखो, इस पे अपन सर रोटियां सेक लेंगे। अच्छा अच्छा, रोटियां सेक लेंगे जी। हाँ, गाय को थोड़ा सा दूर कर दो, लेकिन भगाना नहीं है, पास में ही रखना है, रख लो सर। सर अभी आप आटा उसमें गूंद रहे थे, उसमें तो अपन बेसन का घोली बना लेंगे। आटे के लिए ये अपनी परात आ गई सर, ठीक है सर, कमाल। इसमें अपन आटा गूंद लेंगे। कितने आदमियों का आटा आ जाता है सर इसमें? आदमियों का तो आटा आ जाएगा 15 से 20 का। तो सर ठीक है, फिर पिकनिक में गाड़ी भी अपने पास दो चार छह बंदे ही बैठ पाएंगे सर, तो दो बंदों को ऊपर बैठा लेंगे। जी जी जी, कुछ पीछे लटक जाएंगे, कुछ साइडों में लटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये लो सर, चूल्हो बना भाई। हाँ हाँ, बना ले बस। हाँ परात रख लो सर। हाँ, अरे सर तवा तैयार हो गया। अरे वाह भाई, चूल्हा भी तैयार हो गया। हाँ जी, और ये हमारे राजस्थान की विशेषता है जी, कि चूल्हा बनाने में हमको देर नहीं लगती। सही बात है, चूल्हा तैयार है सर जी। सर अब कटोरियां आ रही है सर। एक कटोरी, मुकेश जी आप आ जाओ जरा, एक कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी जी। तीन तरह की सब्जी लेंगे सर आप? बिल्कुल ले लेंगे सर, ले लेंगे तीन। हाँ हाँ, ठीक है। तो दूसरे मेंबर के लिए उसको थाली में दसाओ तीनों कटोरियों। ये दूसरी थाली में एक कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी, एक कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी, एक कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी, और ये एक चौथी एक्स्ट्रा भी आ गई, इसको पास में रख लो, मैं जरा इसमें दही ले लूंगा सर जी। सर ये आ गए आपके सर्विस स्पून जी, एक स्पून पास में रख लो, थाली में नहीं, थाली के दूसरे स्पून आएंगे। ओहो सर मैंने तो राज खोल दिया, यूज वाले स्पून भी आने वाले हैं। यूज वाले भी आएंगे जी, दो स्पून और ये तीन स्पून। ये तो खत्म ही नहीं हो रही बाल्टी सर, ये आ गया, इसको हमारी भाषा में संडासी बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं? चिंडासी बोलते हैं, संडासी बोलते हैं। तो सर ये टोपिया उतारने, ओ सर मैंने बता दिया कि टोपिया भी है इसमें, टोपिया भी है जी जी जी। तो सर ये संडासी जरा मुकेश जी रखना जरा। ये सर आपका चकला आ गया, पीतल का चकला, पीतल कभी देखा आपने? नहीं देखा जी। पीतल का चकला आप देखेंगे किस तरह से सुंदर बनाया गया और अनयूज्ड है सर, अब ये प्रूफ हो रहा है कि अनयूज्ड। बिल्कुल सर, जरा मुकेश जी रख दीजिए। हाँ चूल्हे के पास में रख लीजिए आप जरा। और सर अब सर राइस लेंगे क्या? ले लेंगे सर, जो भी आप खिलाओगे। क्वार्टर प्लेट आ गई है, छोटी प्लेटें राइस के लिए जी जी, या आप इसमें हलवा ले सकते हैं जी जी। लीजिए, इसमें तो सर पूरे शहर के बर्तन है। एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट। अब सर कुछ कटोरियां और आ गई, तो तीन सब्जी के अलावा अपने को तो कुछ और भी लेना पड़ेगा सर, दही या कोई और चटनी वगैरह, लहसुन की चटनी लेंगे सर? जी जी जी, लेंगे जी जी। लीजिए, एक कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी। सर दही बड़ा लेंगे सर? ले लेंगे सर, ले लेंगे। अरे तो पेट है कि कोई कुआ है? ले लेंगे ले लेंगे। अब जब आप पूछ रहे हो तो ले ही लेंगे ना अब ये बर्तन जी जी। अरे सर काय के लिए तो मना कीजिए। नहीं मना नहीं होगी, आप दिखा दो इसको बस। लीजिए तो सर, एक दही बड़ा प्लेट, ये आपको मार्केट से लाने पड़ेंगे सर, ये हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। सही बात है, सही बात। दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, पांच प्लेट और छह प्लेट। छह दही बड़ा प्लेट आ गई है सर जी जी। सर ये कुछ बड़ी कटोरियां आ गई अपने सब्जी या चटनी बनाने के लिए जी जी। चटनी वगैरह इसमें डाल लेंगे। दो कटोरियां रख दो, दो नहीं और है सर, तीन आ गई सर, एक, दो और ये तीन कटोरियां आ गई सर। मुझे प्याले कह सकते हैं, कटोरी तो नहीं कह सकते, इसको बाउल कह सकते हैं। देख लो भाई साहब, सर एक बर्तन और आ गया सर जी। ये सर एक हुक जैसा लगा हुआ है। हाँ हाँ, क्या करें सर, किस काम में लें फिर इसको? ये लगेगा इसमें, ये लगेगा, लगेगा ये पक्का लगेगा। बिल्कुल सर, तो आपका ये फोल्डिंग फ्राई पैन तैयार हो गया सर। अरे वाह, जरा पास में आइए जी। नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं, अगर हो तो ऑमलेट की भी व्यवस्था। ऑमलेट की व्यवस्था रखो मुकेश जी, इसको जरा जी।
तो सर अब सब्जी के लिए अपने को बर्तन चाहिएंगे, हाँ, दूध भी चाहिएगा गर्म करने के लिए, जी जी जी, एक टोपिया, इसको क्या बोलते हैं, भगोना भी बोलते हैं, भगोना भी बोलते हैं, भगोना भी बोलते हैं, टोपिया भी बोलते हैं, जी जी, दो टोपिए, जी जी, कमाल हो गया भाई साहब, टोपिए, अरे ये टेक्नोलॉजी तो आज भी नहीं है वैज्ञानिकों के पास। सर इसमें कितना दूध आ जाएगा? इसमें तो 2-3 लीटर दूध आएगा, मजे बन जाएंगे, कमाल हो गया भाई साहब। हम बोलते हैं और दूध में अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ा ज्यादा गर्म करके रढ़ा के और उसमें कुछ थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के और हल्की सी चीनी डाल के फिर लेंगे सर। जी वाह, मजा आ गया भाई साहब, रखो पंचल भाई, मजा आ गया। तो सर ये कुछ स्पून्स आ रही है जो अपने को जरूरत पड़ेगी सर, थालियों में, ये थालियों में लगा दो 4 स्पून। जी 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 सर, रामपुरी की भी जरूरत। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, पेट में दे दिया था। अरे नहीं सर पेट में नहीं, मतलब आलू वगैरह काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए जरूरत तो पड़ेगी रामपुरी, सब कुछ है इसमें। ये सर ये मैंने फोल्डिंग कर दिया, बंद कर दिया जी, जी, और लॉक भी कर दिया, आप चिंता ना करें। अच्छा, रखो भैया अभी अपने सब्जी काट के। कमाल हो गया भाई साहब, कमाल हो गया। सर ये क्या रह गया बीच में भाई साहब? अब आया मेरी समझ में, साला क्या है, क्या? ये बेलन है, बेलन है, बेलन है। तो बेलन आपके बहुत लेट समझ में आया सर, और मैंने सुना है कि बेलन से आपकी रोजाना पिटाई होती है। अरे नहीं सर, मेरी पिटाई थोड़ा होती है। अरे सर सच सच, अरे नहीं वो शादी आपकी भी हुई है, सारी बातें मत खुलवाओ। वो तो मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं पिटता हूँ आप छुपा रहे हैं, मैं छुपा नहीं रहा, फर्क इतना ही है। सही बात। तो सर बेलन को अपन तैयार कर लें सर। हाँ बिल्कुल। तो सर ये 2 गोलियां भी यूज कर लें? हाँ ये 2 गोलियां इसी में डलेंगी। फिर क्या होगा सर गोलियों से? ऑटोमेटिक घूमेगा, ये जोर नहीं पड़ेगा। ओ घूम लिया सर, आप तो ऐसी बातें करने लग गए जैसे सारा यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक प्लांट लगाए। आजकल सर बड़े बड़े सामान तो फैक्ट्री में भी नहीं है जितना आपकी एक छोटी सी पार्टी। बड़े बड़े होटलों में या हॉस्पिटलों में ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं फुलके बनाने के, तो आप तो उसपे आ गए धीरे धीरे आते आते कि सब हो रहा है, सही हो रहा है। मैं तो सोच रहा था एक बाल्टी है 15 लीटर पानी आ जाता होगा बस, ज्यादा ज्यादा और क्या होगा। हाँ तो पानी तो ले आएंगे अपन, पानी भी चाहिएगा आटा गूंदने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये अपना बेलन तैयार हो गया, कमाल हो गया भाई। लेकिन बेलन को मैं उधर नहीं रखूंगा सर जी, मेरे पास में ही रखूंगा। अच्छा अच्छा। कहीं कोई उठा ले बेलन तो ये एक हथियार है। हथियार है? हाँ, औरतों का हथियार। हाँ मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता जी जी, बेलन में मैं अपने पास में ही रखूंगा। और मुकेश जी जरा आप इस बाल्टी में पानी ले आएंगे तो अपन आटा वगैरह है जी। ठीक है। नहीं नहीं बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। चकला दे दीजिए सर, मैं बता दूं कि रोटी कैसे बनाते हैं। आप ऐसा मत समझना कि घर पे तीनों टाइम मैं ही बनाता हूँ खाना, जी जी। ऐसा नहीं है, कभी कभी बनाना पड़ जाता है, वो आप समझ सकते हैं जी जी। लेकिन फिर भी देखिए सर, अरे वाह भाई साहब। सर अगर फुलके बनाने में भी इंजॉय हो सकता है क्या सर? पता नहीं सर, आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए सर आज फुलके बनाने में कैसा इंजॉय आता है आप देखिए जी। कमाल है भाई, अरे वाह, फुलके बन रहे हैं और इंजॉय हो रहे हैं। ये तो आज भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है ये चीज की तो सर, लेकिन ये मुगल टाइम से चलती आ रही है। कमाल। अब लेडीज लोग खाना बनाते वक्त कैसे इंजॉय करेंगे? अब आपको क्या लगता है, इस वीडियो को ये जो देख रहे हैं लाइक करेंगे, पसंद आया होगा इनको? सर अपने भलाई ना करे तो ना करे, अगर जी उनको जी अच्छा लगा है तो करेंगे, अगर बुरा लगा है तो लिख देंगे वो यो वाला दबा देंगे, यो वाला दबा उनकी दे, खुली है। अपन किसी को भी दबाव में लेके कोई काम नहीं करवाएंगे, अपने को एंजॉय करना था, अपन ने किया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब दर्शक जाने उनका काम जाने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, देख लो जी एक बाल्टी से पूरी बर्तन की दुकान खोल दी भाई साहब। लो यहाँ पे रखो मुकेश जी, कितने बर्तन आ गए हैं। लेकिन सर अब इसको वापस फिट आप कर सकते हैं? मैं नहीं, वो भी आप ही करेंगे, अभी तो वीडियो बनाएंगे। ये देख लो भाई साहब क्या गजब है, हद हो गई भाई साहब एक बाल्टी में। तो आप कमेंट करके बताएं हमने इसका जादुई बाल्टी नाम सही रखा है गलत रखा।